हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टार क्लासेस। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है जिन्हें स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और जो है पैरेललोग्राम यानी आयत, वर्ग, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है। इसमें ये आपको मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल बता दूंगा। इसी पर बेसिस एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें थोड़ा हार्ड लेवल के लेवल थोड़ा अप होगा, लेकिन इसमें सारे तभी मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा क्योंकि जितना भी इम्पॉर्टेंट होगा इसी में आपको डिस्कस करूंगा। इसके बाद में जिन्होंने ये वीडियो देखी होगी उनको नेक्स्ट वाली वीडियो समझ में आएगी, ठीक है। तो आजकल जैसे कि NTPC में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एडवांस मैथ्स में, उसी को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप सभी को पता है। चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा ये वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है पता होना चाहिए, ठीक है। तो इनकी बेसिक प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी बहुत, ताकि उन बेसिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर आप क्वेश्चन लगा सकते हैं अगर फार्मूला ना पता हो, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम है समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं। समांतर चतुर्भुज में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ये आपका समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। और अपोजिट साइड पैरेलल होंगे और इक्वल भी होंगी, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होंगी, ठीक है। अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होंगे, ये समांतर चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। असमांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज किसी भी प्रकार का हो उसमें जो डायगोनल्स होते हैं दोस्त वो क्या होंगे, बाइसेक्ट करते हैं यानी समद्विभाजित करते हैं। इसी समांतर चतुर्भुज को विकर्ण आयत बना सकते हो, अगर जो ये ऐसे टिल्टेड होता है, तीछा होती है इसकी भुजाएं, और इसको सीधा कर दो, मतलब इसका एंगल क्या कर दो, 90 डिग्री कर दो, इनका एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री, अगर जो हो जाए ये 90 डिग्री एंगल हो जाए तो यही आपका क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, बट एंगल आर ईच एंगल आर 90 डिग्री, बट यहाँ क्या है, ईच एंगल इज 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। और इसमें भी साइड्स डायगोनल्स क्या होंगे, बाइसेक्ट करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। तो आपने देखा कि समांतर चतुर्भुज से क्या बना, आयत बना। सेकेंड, इसी तरीके से ये प्रॉपर्टी विशेष तौर पर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं। जब आपको फार्मूले फुल फेल होते हैं तो समझ लो आपको यही प्रॉपर्टी ही क्वेश्चन कराने में मदद करती हैं, ठीक है। अभी आपने इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं किए होंगे या थोड़ा सा टिपिकल बेसिक पर जो क्वेश्चन बनाया जाता है घुमा करके, वो क्वेश्चन अगर नहीं किए हैं तभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जो आपको कोई क्वेश्चन बना के दिया जाए थोड़ा सा बेसिक पर, तो आपको इसी की ज़रूरत पड़ेगी, और आप कहोगे ये फार्मूले हमको पता ही नहीं है, तो फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसी तरीके से समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, सम चतुर्भुज में क्या होगा, सम मीन्स आल साइड्स क्या होंगी, सम होंगी यानी समान होंगी, समांतर होंगी, ये समान होंगी, आल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये समान सम चतुर्भुज हो गया, रोम्बस बन गया, सभी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, और ये डायगोनल्स इसमें भी 90 डिग्री पर, इसमें डायगोनल्स जो है 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, इसमें डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते थे, जबकि रोम्बस में डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस से ही बनेगा क्या आपका, रोम्बस से बनेगा आपका स्क्वायर। जैसे आपने आयत बनाया था, आयत को क्या, समांतर को क्या किया था, सीधा कर दिया था, इसी तरह रोम्बस को क्या कर दो, सीधा कर दो। यहाँ 90 डिग्री नहीं था एंगल, यहाँ इसको क्या कर दो, सीधा कर दो, ये एंगल्स जब 90 डिग्री हो जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका स्क्वायर, स्क्वायर यानी वर्ग बन गया। सम चतुर्भुज से वर्ग बनता है, जबकि समांतर से क्या बनता है, पैरेलल बनता है। बस इसमें दो प्रॉपर्टी और ऐड हो जाती हैं, क्या, इसमें एक प्रॉपर्टी ये ऐड होगी, सभी साइड इक्वल हो जाती हैं और डायगोनल्स एट 90 डिग्री, रोम्बस में हो चाहे स्क्वायर में हो, दोनों में डायगोनल्स क्या होंगे, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, अब देखते हैं क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहा है, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 16 सेंटीमीटर है, एक व्यक्ति इसे विकर्णतः पार करता है, इसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। वर्गाकार पार्क है, अगर वर्गाकार पार्क है तो आपने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी, आप क्या बताओगे वर्गाकार पार्क के बारे में, कि वर्गाकार पार्क के बारे में अगर बताओगे तो ये आप बताओगे कि ऑल साइड्स इक्वल होंगी और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगी, यही तो थे,
डायगनल्स, ये ऑल साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी और 90 डिग्री पर ईच एंगल 90 डिग्री होगा। डायगनल्स भी कहा जाए तो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेगा, इतना पता है। डायरेक्ट अगर देखोगे विकर्णता जाएगा तो मैं एक अलग से एक और भी फिगर बना रहा हूँ, विकर्णता अगर जाएगा तो क्या होगा, ये ऐसे जाएगा तो इसके जो विकर्ण की दूरी होगी उतनी ही दूरी तय करेगा। तो कोई भी डायगनल अगर ये साइड ए है ये साइड ए है तो ये कितनी हो जाती है, ए रूट टू। क्यों, फार्मूला नहीं याद करो, ये पाइथागोरस इसमें लगाओ, ठीक है, ए बी सी डी। तो अगर पाइथागोरस लगाओगे ये देखो 90 डिग्री हो जाएगा इन ट्रायंगल ए बी सी में, अगर 90 डिग्री हो जाता है तो आप क्या कहोगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर, पाइथागोरस ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर हो जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ लेकिन ये सब बताना नहीं चाहिए, इतना आसान चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, पता होना चाहिए। कंपटीशन में आया है ग्रेजुएशन का फॉर्म डाले, इसका मतलब आप ग्रेजुएट हो, यानी थोड़ा बहुत पता होगा लेकिन फिर भी बता रहा हूँ जिनको नहीं मालूम है देख लें अपने मन से, ठीक है। तो यहाँ ए सी हटाएंगे अंडर रूट 2a स्क्वायर आ जाएगा और a बाहर आ जाएगा, अंडर रूट क्या लग जाएगा 2, यानी क्या आ जाएगा ए रूट टू। पाइथागोरस तो पता ही होना चाहिए, मैं पिछले 2-3 लेक्चर से पाइथागोरस बताता चला रहा हूँ सबको, ठीक है। अब आगे के लेक्चर्स में पाइथागोरस पर डायरेक्ट जब भी आएगा मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अब क्वेश्चन ये फार्मूला बार बार डिजाइन करके नहीं बताऊंगा। तो ये साइड कितनी होगी ए रूट टू, ऐसे है। अब कुछ लोग डायगनल याद करते हैं ए रूट टू, यार उसका वर्ग का डायगनल क्या होता है ए रूट टू, हैं आयत का क्या होगा बताएंगे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेवकूफ़ी है, इतने फार्मूले रटने लगे तो ज़िंदगी फार्मूले रटने बीत जाएगी। वहाँ डायरेक्ट एक मिनट लगे, एक सेकेंड लगता है कि सोच लो पाइथागोरस लगा के। तो यानी भुजा कितनी है 16, तो इसका डायगनल कितना हो जाएगा 16 रूट टू, यानी डायगनल ही गया है तो वो कितनी दूरी तय करेगा, 16 रूट टू के बराबर दूरी तय करेगा कि नहीं तय करेगा, बताइए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड आया, क्लियर है। चलिए समझता हूँ ये वीडियो, ये क्वेश्चन हो चुका होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी पर आधारित है, ठीक है। एक वर्ग जो है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर, सेम क्वेश्चन है, वर्ग का क्षेत्रफल कहा है, अभी आपने वर्ग बनाना सीखा है, ये वर्ग हो गया और विकर्ण दे रखा है, ये विकर्ण दे रखा है, ये विकर्ण यानी डायगनल, डायगनल कितना दे रखा है 5√2 दे रखा है, कहा है क्षेत्रफल बताओ। यार क्षेत्रफल बताने के लिए आपको भुजा मालूम होनी चाहिए, क्योंकि भुजा का ही स्क्वायर कितना होता है वर्ग में, उसका क्षेत्रफल होता है। यानी अभी आपने देखा d इक्वल टू कितना था a रूट टू था कि नहीं डायगनल, यानी a रूट टू बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, इसमें डायगनल 5√2 नहीं दे रखा है, केवल 5 दे रखा है, डायगनल इक्वल टू 5 दे रखा है, वो देखो लिखा है। तो डायगनल हमारा कितना होगा a√2 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अगर कोई पूछे यार साइड कितनी होगी तो क्या कहोगे, 5√2 कहोगे कि नहीं कहोगे, ये डायगनल ये भुजा आ गया और भुजा का स्क्वायर ही क्या होता है क्षेत्रफल होता है, यानी इसी को क्या किया जाए 5√2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 5√2 और 5√2 से मल्टीप्लाई यानी स्क्वायर कर देते हैं तो ऊपर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, यहाँ √2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। देखो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 2, 2 से इसको डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 12.5, क्लियर हो चुका होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर आपका दिखाई पड़ा होगा सेकंड है, ठीक है। डायगनल आपको मालूम है, देखो डायगनल आपको 5 दिया था, मैं फिर से बताऊँ आई रिपीट, डायगनल आपको दिया था और डायगनल किसके बराबर होता है a√2 होता है तो a यहाँ से निकाल लोगे, a बराबर कितना आएगा 5√2 हो जाएगा और साइड का स्क्वायर करोगे आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है सेकंड, ये लग रहा होगा बहुत आसान है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और आ भी रहे हैं अभी के पेपर्स में, लेकिन आगे के पेपर में थोड़ा हार्ड आएंगे, लेकिन तब तक के लिए आप ये बेस अच्छा तैयार कर लें, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक वर्ग की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको वीडियो मैंने आपको अंतःवृत्त परिवृत्त के बारे में बताया है लेकिन वो ट्रायंगल से रिलेटेड था, अब देखो वर्ग पर आ गया,
ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं, फार्मूले थोड़ा ना काम करेंगे यहाँ पर, यहाँ आपके कॉन्सेप्ट काम करते हैं, सोचा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को जरा पॉज करके करने की कोशिश करें, मैं फिलहाल बताता हूँ, देखें एक बार अपने मन से करने, देखो होता है कि नहीं होता है। दोस्त अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन को। एक वर्ग की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस वर्ग के अंदर, ये भुजा उजा चाहे जो भी दिया हो, इसमें कॉन्सेप्ट ही याद किए जाते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं याद हैं तो आप चाहे जितना फार्मूला याद करें, ये वर्ग है, पहले इसको समझ लो एक बार, अपना आप कर लेना, जब ना हो तब इधर देखना। ये एक वर्ग है ए बी सी डी, इसमें एक अंतःवृत्त बनाया गया, एक परिवृत्त बनाया गया, और अंतःवृत्त परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है। यार अंतःवृत्त यानी इसके अंदर बनाया गया होगा वृत्त, ऐसे बनाया गया होगा कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे ही बनाया गया होगा ये वृत्त, एक अंता हो गया। एक परिवृत्त जो इसके बाहर वर्टिसेस यानी शीर्षों से होते हुए गुजरेगा, ऐसे ऐसे गुजर रहा होगा, शीर्षों से होते हुए ऐसे गुजर रहा होगा, ठीक है। ये तो एक अंतःवृत्त बना गया, अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर मान लेते हैं, और कैपिटल वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर बनाते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं ये, ठीक है। ये तो इसको मैं अब कैसे समझ आएगा, इसको मैं एक बार फिर से इधर ध्यान दीजिएगा, मैं इसको एक दो डायग्राम से अलग अलग बताता हूँ, बहुत आसान वे में, आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा। एक मैं ये डायग्राम, एक और डायग्राम लेता हूँ ये वर्ग का, ठीक है, ये वर्ग मैंने एक ले लिया, एक और वर्ग बनाता हूँ ये इधर, ठीक है, बड़ा सा एक बना दिया, ठीक है। ये वर्ग है, इस पर मान लो परिवृत्त हमने बनाया है, वही वर्ग है, मैंने साइड बड़ी बड़ी दिखाई पड़ेंगी, लेकिन एक में छोटी एक बड़ी, लेकिन आप वही मान करके चलना, ठीक है। ये परिवृत्त बनाया गया, जो बाहर क्यों बनाया जाता है उसको परिवृत्त कहते हैं। यार इसकी त्रिज्या कैसे ज्ञात करोगे आप बताओ, फार्मूला याद करोगे? नहीं। आप ये देखो, ये जो परिवृत्त बन रहा है ये क्या है, डायगोनल है कि नहीं, ये डायगोनल है, और यही अगर देखा जाए ये सेंटर से पास होती है, यही डायमीटर होगा, यानी जो परिवृत्त का डायमीटर है, परिवृत्त का जो डायमीटर है वो हमारे वर्ग का डायगोनल है, और डायगोनल वर्ग का क्या होता है, ए रूट टू होता है कि नहीं। मैं डायरेक्ट बता सकता था लेकिन समझा रहा हूँ, जो फिर से सुन ले एक बार, रिपीट, आई रिपीट, ध्यान दीजिएगा, ये जो परिवृत्त है, परिवृत्त का जो डायगोनल है, परिवृत्त का जो सॉरी डायमीटर है वो वर्ग के डायगोनल के बराबर होगा, ठीक है। ये देखो, तो परिवृत्त का जो डायमीटर है वर्ग का डायगोनल कितना होता है, अभी आपने देखा ए रूट टू, और त्रिज्या अगर कही जाए तो ये डायमीटर क्या होगा, टू आर होता है, तो टू आर बराबर ए रूट टू हो गया, तो आर बराबर कितना कहोगे, ए रूट टू अपान में टू कह दोगे। डायगोनल का आधा यानी एक लाइन में कहूँ मैं, डायगोनल का आधा, ठीक है, विकर्ण का आधा जो होगी परिवृत्त की त्रिज्या होगी, एक कैपिटल आर ले लो, इसको कैपिटल आर ले लेता हूँ, परिवृत्त की त्रिज्या होगी। इसी तरीके इसमें देखा जाए, इसमें देखो एक अंतःवृत्त मैंने ऐसे बना दिया, ये ध्यान दीजिएगा, अंतःवृत्त बना दिया। ये क्वेश्चन आपको टिपिकल नहीं लगने चाहिए, बहुत आसान वे में बता रहा हूँ, देखने में टाइम लग रहा है, नहीं तो ओरल क्वेश्चन बता दूंगा मैं, ओरल आप भी कर पाओगे, इस बात को समझ लो एक बार। क्वेश्चन ये अंतःवृत्त बना दिया गया, अंतःवृत्त की ये त्रिज्या है, अंतःवृत्त पहले ये सोचो कैसे बना है, इसका व्यास क्या होगा, ये यार ऐसे अगर बनाया जाए तो ये व्यास बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, और यानी ये व्यास क्या है, ये देखो भुजाओं की लंबाई के बराबर है, दिखाई पड़ा इसमें कि नहीं। ये देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ इधर, ये जो व्यास हैं भुजाओं की लंबाई के बराबर है, यानी जो व्यास है अंतःवृत्त में, यानी जो भुजा ए है वो क्या होगी, 2r के बराबर होगी, तो r बराबर क्या होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या a बाई टू, यानी मैं अगर एक लाइन में कहना चाहूँ तो परिवृत्त में जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है किसी भी वर्ग में, उसके डायगोनल का आधा, सीधे डायगोनल निकालो उसका आधा कर दो तो परिवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, और भुजा की आधा कर दोगे तो अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। अब इन्हीं का रेशियो पूछा बताया है, अंतःवृत्त पहले लिखो और परिवृत्त बाद में लिखो, यानी अनुपात ए अपान टू अनुपात ए रूट टू अपान में टू, ये ए ए देखो कैंसिल, ये टू टू कैंसिल, यानी कितना आ गया, वन अनुपात रूट दो। ऑप्शन नंबर आपको दिखाई पड़ रहा होगा फर्स्ट, बहुत ही प्यारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत इसमें कॉन्सेप्ट था, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जब बन जाते हैं तो फिर पेपर में कहते हैं फार्मूला हमको मालूम ही नहीं था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ने प्रैक्टिस करनी चाहिए, ऐसे पढ़ पाओगे तो
और तो टाइप के क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है फिर से, ठीक है, आपके सामने है स्क्रीन पर, करने की कोशिश करें। ठीक है, ये क्वेश्चन वो छूट गया है आपका, ठीक। चलो वो क्वेश्चन मैं आपका निकालता हूँ स्क्रीन पर से फिर से। ये अरे यार रुकना एक सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर आपका था क्वेश्चन नंबर 4, हाँ ये आ गया आपका। ठीक है दोस्त, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करें, देखें। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तो आयताकार मैदान की लंबाई और परिमाप ज्ञात करें। आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, इसको करें, देखें आप कैसे करते हैं। ठीक है, बेसिक से ही कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए कहता हूँ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है, तो मैदान जो होता है आयताकार, उसकी लंबाई, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होती है। ठीक है, तथा चौड़ाई आपको दी है, तो चौड़ाई दी है यानी लेंथ अगर जो आपको कंसिडर करनी है तो लेंथ एल कंसिडर कर लो और चौड़ाई 15 दे रखी है, मल्टीप्लाई कर दो किसके बराबर, 180 के बराबर। बहुत आसान क्वेश्चन है, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या था, क्षेत्रफल था, तो लंबाई बराबर निकालोगे, 15 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एक चीज़ तो पता चल गई, 12 सेंटीमीटर। तो अगर हम ऑप्शन से देखना चाहें यहाँ, तो सभी में 12 सेंटीमीटर यानी डायरेक्ट नहीं मार सकते, अभी आपको परिमाप निकालना ही होगा। तो परिमाप क्या था, सभी भुजाओं को जोड़ दो। परिमाप क्या होता है, कुछ नहीं होता, सभी भुजाओं को जोड़ दो। अगर लंबाई 12 है, ये 12 है, ये 15 है, ठीक है, ये 15 है, तो जोड़ दो सभी भुजाओं को, 12 12 कितना हो जाएगा, 24, 15 15 30, 30 और 24 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 54 यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आया, ऑप्शन नंबर आपके सामने है फर्स्ट। ऐसे कर सकते हैं। और कुछ लोग फार्मूला याद करते हैं, कहते हैं 2 टाइम्स ऑफ L + B है? किसका फार्मूला है, ये आयताकार मैदान का परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है। अरे काहे याद करते हैं यार, देखो दो L हैं, दो B हैं, वही 2L + 2B है, याद नहीं करने की जरूरत है, ऐसे याद रखना सभी भुजाएं। परिमाप कभी भी किसी भी टाइप का हो, ठीक है, रॉम्बस बन जाए, कुछ भी बन जाए, उनकी सभी भुजाओं को जोड़ दो, सीधे आपका परिमाप आ जाता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वो बेसिक था, ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करें, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, देखें। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 560 मीटर स्क्वायर है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। इस बार अनुपात दिया है, तो आयताकार मैदान का विकर्ण पूछा है। देखो ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं, कुछ एक देख रखे, दूसरे फाइंड करवाएंगे, फिर तीसरा उसमें निकलवाएंगे, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, वो चाहते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन में तुमको अर्झा दिया जाए, फंसा दिया जाए, कोई फार्मूला सोचे, कोई कुछ करे। ऐसे क्वेश्चन फार्मूले से नहीं किए जाते हैं, इनको कॉन्सेप्ट से ही बार बार मैं कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझते चलें। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल का लंबाई और चौड़ाई सब दिया है अनुपात, तो लंबाई कितनी मान लो, 5x मान लो, और चौड़ाई 7x मान लो, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 560 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहीं से काट दो, 7 से काट दिया जाए, 7 8 56, और 5 से काट दिया जाए, 16 25 80, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, एक्स बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब इनकी लेंथ और विड्थ कितनी हो जाएगी, इसमें वैल्यू रख दोगे, 5x लेंथ मानी थी, लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 × 20, और चौड़ाई यानी विड्थ कितनी हो जाएगी, 7 × 28। क्लियर हो चुका है। अब आपको विकर्ण निकालना है, अभी आपने विकर्ण देखा, ठीक है, डायगोनल अप्लाई कर दो, ये 90 डिग्री होता है, कौन सा लगेगा, पाइथागोरस अप्लाई करेगा, पाइथागोरस अप्लाई करो, डायगोनल निकाल लो, डायगोनल कितना होता है, जब पाइथागोरस अप्लाई करोगे, L² + B² आएगा डायगोनल, डायगोनल स्क्वायर L² + B² यानी अंडर रूट लिख सकते हैं, L² जब सीधे डायगोनल कहेंगे, L² + B², सिंपल सी बात है। ठीक है, तो L का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, प्लस B 28 का स्क्वायर करो, ठीक है, 28 का स्क्वायर कर लो, जिनको मालूम है तो ठीक, नहीं मालूम तो मल्टीप्लाई कर लिया करो डायरेक्ट, ऐसे 8 8 64 ऐसे लगा 6, इसको मल्टीप्लाई ऐसे किया जाता है, अगर ना मालूम है, 8 × 16 8 × 16 16 16 32 32 और 6 कितना हो जाएगा, 38, ऐसे लगा 3,
दो दुना चार, चार तीन 784। ठीक है, ये डायगनल डायरेक्ट कर लिया जाता है मल्टीप्लाई, तो 784। 784 वैसे आपको 50 तक वर्ग पता ही होने चाहिए, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 700 प्लस ऐड करोगे तो कितना हो जाए 1184। तो ये आपका अंडर रूट के अंदर, ये आपका 1184। जरा सा मिस्टेक किए देखो, वहाँ अंडर रूट हटा भी रखा है ऑप्शन में, देखो तो ऐसे क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आया, सेकंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, ये फार्मूला बेस्ड है, इसको हम कह सकते हैं ये फार्मूला बेस्ड। जिनको फार्मूला मालूम है इस क्वेश्चन को कर लें तुरंत, ठीक है। क्या कह रहा है, एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है कमरे का क्षेत्रफल। तो कमरे का क्षेत्रफल सभी को मालूम होता है, 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। किसी भी कमरे का अगर जो क्षेत्रफल कहेगा, एरिया कहेगा, तो क्या कहोगे, 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। तो एल और बी लंबाई कितनी है आपको दी है, ठीक है, कितनी दी है 8, और चौड़ाई दी है 6 और ऊंचाई दी है 3। क्लियर हो चुका होगा, तो 8, 6, 14, 14 दुनी 28, ठीक है, 14 दुनी 28 गुड़े 3, तो 28 को 3 से गुणा कर दो तो 3, 8, 24, 3 दुनी 6, 6 और 2, 8, 84 आएगा। इसमें दोस्त ऑप्शन गड़बड़ पड़ गए हैं, ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा, लेकिन यही होगा। एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है, तो कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल का फार्मूला यही होता है, 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। इसमें ऑप्शंस गलत हैं, इन ऑप्शंस को इरेज कर दीजिएगा आप, ये ऑप्शंस गलत हैं। तो ऑप्शन आंसर नंबर कौन सा आएगा, 84 आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बनाए भी जाते हैं। कहा है एक वर्गाकार मैदान, अगर दोस्त सेशन अच्छा लग रहा हो तो मैं आई रिपीट कहता हूँ इसको, जो है लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को एक दो लोगों को शेयर करें। एक वर्गाकार मैदान की लंबाई 200 मीटर है और इसके चारों, इसके अंदर, इसके देखो लिखा अंदर चारों तरफ एक 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। एक वर्गाकार मैदान है, इसमें वर्ग टाइप में बनाया गया होगा, मैं ऐसे बना देता हूँ, एक ये वर्गाकार मैदान बना दिया गया मान लो, ठीक है। इसके अंदर एक चारों तरफ 2.5 मीटर रास्ता बनाया गया है। आप इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी फार्मूला शायद याद करते हो, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एक ये रास्ता बनाया गया है इसके चारों तरफ, ध्यान दीजिएगा, ये वाला रास्ता है, ये इसके चारों तरफ रास्ता बनाया गया, वर्गाकार मैदान था। इसी तरीके से आपको आयत में भी देखने मिलता है, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें मैं बेसिक केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा था। तो अब इसके ये रास्ता बताओ कैसे निकलेगा यार, तो बाहर वाले यानी बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल से अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो ये इसका रास्ता आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, बाहर वाले बड़े वाले वर्ग से अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, जो रास्ता होगा उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अंदर वाला यानी बाहर वाला पहले दिया है आपको, भुजा दी है कितनी 200 मीटर, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है, ये 200 मीटर तो ये बताओ कितनी होगी अंदर वाली भुजा, फिर कितनी होगी ये देखना, बहुत प्यार से देखना है इसमें, ध्यान देख के। ये चौड़ा रास्ता कितना 2.5 यार, इधर 2.5 और इधर 2.5 दोनों साइड में है, यानी कितना घट जाएगा, 2.5 कितना होगा 5 हो गया, यानी ये अंदर वाली रास्ता कितना 5 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी 195 सेंटीमीटर हो जाएगी। अंदर वाला जो वर्ग बन रहा है उसकी भुजा कितनी हो जाएगी 195। चलो तो बाहर वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 4 जीरो चिपका देंगे इसके साथ। इसी तरीके 195 का स्क्वायर कर लेंगे, 195 का स्क्वायर करेंगे, 195 का स्क्वायर करेंगे, तो 195 का स्क्वायर होगा कैसे, अब मल्टीप्लाई मत करना स्टार्ट कर देना, ठीक है, इसको डाइट करना है। जब कभी भी लास्ट में 5 आए, ध्यान रखना, जब कभी भी मैंने हालांकि बताया भी है, कभी भी लास्ट में 5 आए तो उसको स्क्वायर कर देना, 5 का स्क्वायर करना है या 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ गया 25। और ये 19 है, 195 है, 19 के आगे एक और नंबर लेना, कितना आ जाएगा दोस्त 20 आ जाएगा, 20 को 19 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 को जब 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 38 हो जाएगा, 38
3 8 19 38 और 1 0 20 वाला लगा दो, ये आंसर आ जाता है फटाक से। कितना भी बड़ा हो लास्ट में अगर 5 है उसको स्क्वायर कर दो और उसमें जो दूसरा वाला नंबर होगा उसमें एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो भाई, बस आपका आंसर। यानी 38025 ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे 10 से 5 गया जाएगा, कितना बचेगा 5, यहाँ बच जाएगा 9, 9 से 2 गया 7, ठीक है। यहाँ कितना बच जाएगा 9 और यहाँ बच जाएगा 9 से 8 गया 1, 1975 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड। क्लियर हो चुका होगा क्वेश्चन, आई रिपीट क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, अच्छे से समझें इसका कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, ठीक है। इसमें और ये मल्टीप्लाई भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, कहीं पर पेपर में ऐसा आ गया तो आपको 2-3 सेकेंड ले जाएगा, तो ऐसे कर लोगे बिल्कुल नहीं टाइम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, आपका सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, ठीक है। मैं अगेन एक बार यही रिपीट करूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें, इसका लाभ उठाएं, ठीक है दोस्त। थैंक यू वेरी मच।